राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए टेस्ट के बारे में। जो मैं कहता हूं कि रेप के मैटर में डीएनए टेस्ट अगर आप करा लेते हैं तो आपकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। दूसरी चीज है कि अगर लड़की के साथ एक्चुअल में रेप जैसी दर्दनाक घटना कारित हुई है तो एकदम से क्लियर हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने करी हुई और क्या उसने एक्चुअल में करी है कि नहीं करी है। अगर उसने करी है तो उसको दोष सिद्ध हो जाएगा। डीएनए टेस्ट बहुत कारगर होगा उसको सजा दिलाने में, और निर्दोष है तो लड़की के खिलाफ उसको आगे कानूनी कार्रवाई करने में और मुकदमा जीतने में पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी। मेरे पास अभी एक डीएनए रिपोर्ट है जो मेरे क्लाइंट की एक आई है, मैं वही पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं डिस्कशन कर लूं कि क्या क्या सैंपल्स डीएनए टेस्ट में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो सैंपल इन्होंने ले रखा है, दो सेक्शंस में इसको बांट के रखा है इन्होंने, विक्टिम के सैंपल्स लिए हैं और सस्पेक्ट के सैंपल लिए, और तीसरी चीज इन्होंने क्राइम सीन के सैंपल्स ले रखे हुए। तीन पार्ट्स में पूरी डीएनए रिपोर्ट ये बटी हुई है। इसमें सबसे पहले जो विक्टिम के सैंपल इन्होंने ले रखे हैं, विक्टिम के सैंपल में इन्होंने ले रखा हुआ है एनल और ओरल स्वैब्स। ये इसलिए लिए जाते हैं, एनल और ओरल स्वैब्स सिर्फ इसलिए लिए जा सकता है ताकि जो आरोपी है उसका डीएनए जो है एक्चुअल में विक्टिम के पास से प्राप्त किया जा सके। अब बॉडी स्वैब लिया गया है, बॉडी स्वैब किसी भी जगह से बॉडी में लिया जाता है जहां पर सस्पेक्ट ने उस पर्टिकुलर लेडी को टच कर रखा हो। उसके बाद इन्होंने ले रखा हुआ है कपड़े का सैंपल ले रखा हुआ है, और कपड़े सबसे खास तौर पर कौन से लिए जाएंगे डीएनए टेस्ट के लिए, जो विक्टिम ने पहने हुए थे, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या है, उसके अंडर गार्मेंट्स यानी कि अंडरवियर, जहां से डीएनए दोनों लोगों का प्राप्त किया जा सके। उसके बाद विक्टिम के बाल से, विक्टिम के बाल और अपोजिट पार्टी दोनों के बाल लिए जाते हैं कि भाई ताकि मिलान कराया जा सके जहां पर बाल फंसे हो सके। उसके बाद बाइट मार्क्स, जो आप लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना लव बाइट देंगे हम, ठीक है, तो उसमें अगर बाइट मार्क्स हैं तो उन जगहों के भी स्वैब्स लिए जाते हैं। तो विक्टिम का क्या होगा, ओरल स्वैब्स होगा, वजाइनल स्वैब्स होगा, बाल होगा, नाखून होगा, और ब्लड का सैंपल डीएनए टेस्ट में लिया जाएगा। और दूसरी चीज सस्पेक्ट, जो आप आरोपी हो जिसके ऊपर आरोप लगा है उससे क्या सैंपल लिए जाएंगे, आरोपी से लिए जाएंगे बकल स्वैब्स। बकल स्वैब्स सस्पेक्ट से क्यों लिए जाते हैं, ताकि उसके मुंह का जो है पोर्शन है उसके मुंह से स्वैब्स निकाला जाता है। बकल स्वैब्स का मतलब बेसिकली यही हो गया। उसके बाद सस्पेक्ट ने जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों का सैंपल लिया जाएगा, वही मैंने बताया अंडर गार्मेंट्स। उसके बाद बाल सस्पेक्ट के जो शरीर पे उसके और शरीर के अन्य जगहों के भी बाल लिए जाएंगे। अन्य जगहों का मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं कि कहां कहां के बाल उसके लिए जाएंगे सैंपलिंग के लिए, डीएनए के लिए। उसके बाद क्राइम सीन से क्या लिया जाएगा, क्राइम सीन से बेडशीट निकाली जाएगी जो आपने यूज करी है, कंबल यूज किया है या अन्य फैब्रिक जो भी होगा क्राइम सीन से, वो सारी चीजें उठाई जाएंगी, वहां से सैंपल्स निकाले जाएंगे। और कॉन्डम, जो अगर आपने चॉकलेट इस्तेमाल करी है डॉटेड या एक्स्ट्रा डॉटेड अपने मजे के लिए करी हुई है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा डीएनए टेस्ट निकालने के लिए। और फिंगर नेल्स स्क्रैपिंग जो भी होंगी उससे विक्टिम और सस्पेक्ट दोनों के नाखूनों का सैंपल ले लिया जाएगा ताकि स्पष्ट हो सके कि किसी व्यक्ति ने कोई चीज करी हुई है। अब आप पूछोगे डीएनए टेस्ट होने में आखिरकार कितना समय लगेगा, जनरली इसमें 40 से 45 दिन मिनिमम लगेगा, कभी कभी महीनों बीत जाते हैं। और प्राइवेट अगर आप कराते हो तो ये तकरीबन 40 से 50,000 रुपए के बीच में खर्चा आता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन का, और सरकारी कराओगे तो लगभग 10,000 रुपए का आपका कॉस्ट आएगा। लेकिन ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है, हर जगह वेरी करती है। तो आई होप आज डीएनए को लेके जितनी कंफ्यूजन आपके मन में थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। ये डीएनए रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए जरूरी समझा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके और कोई भी ऐसी एक्टिविटी में आप इंडल्ज ना हो जिससे आपको नुकसान हो सके। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो 10-10 लोगों में शेयर करो ताकि 55,000 हो चुके हैं सब्सक्राइबर हमारे, 1,00,000 हो जाए ताकि सिल्वर प्ले बटन हम भी पा जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।